लावा तो एकत्रित हो रहा है, कुछ ही समय में ये चट्टान के ऊपर से झरने की भांति गिरने लगेगा। हाँ, शिशु के रोने की ध्वनि। ढक्कन ढाकने पर भी चावल पात्र से बाहर निकल रहे हैं। अब समझा, इस मुख्य ज्वालामुखी के प्राकृतिक प्रवाह को मैं रोकता नहीं तो और भी स्थानों पर ज्वालामुखी फूट कर नहीं आता और ये भीषण स्थिति भी उत्पन्न नहीं होती। प्रकृति के कार्य में हस्तक्षेप करना अनर्थ का कारण भी बन सकता है। सुषेण, नल, हनुमान कहाँ है? हनुमान ने ही हमें बचाया है। अब वो बाकी सभी ज्वालामुखी को बंद करने के लिए गया है। ये भी ना, स्वयं ही संकट मोल ले लेता है। अरे वो देखिए, लावा पहाड़ के ऊपर से आ रहा है। ये क्या, ये तो इसी ओर आ रहा है। चलो निकलो यहाँ से। ये क्या हो रहा है? एकाएक ज्वालामुखी का फटना और अब लावा यहाँ तक आ पहुँचा। गुरुजी, हमारे आश्रम में भी चारों ओर से लावा आ गया है। बचने का कोई रास्ता नहीं है गुरुजी। लगता है आपके शरण में हमारे प्राण निकल जाएंगे। नहीं शिष्यों, अंतिम समय तक आशावान रहना चाहिए। न जाने कब और किस रूप में कोई बचाने वाला आ जाए। बस ईश्वर से प्रार्थना करो। कुशल तो होना। हाँ माँ, हनुमान ने हमें बचाया। हनुमान कहाँ है? उसी को तो ढूंढने गया था, वहां उसके मित्र मिल गए। इन्हें हमारे हनुमान ने ही बचाया है। इसका अर्थ वो सुरक्षित और सकुशलता से है। प्रणाम महाराज। सभी ध्यान से सुनिए, नगर के चारों ओर लावा फैल चुका है, इसलिए सब सावधान रहें। ना तो उस ओर जाएं और ना ही अपने पशुओं और बालकों को जाने दें। अभी लावा शीतल होने में 2 से 3 दिन लग सकते हैं, इसलिए तब तक के लिए सावधानी रखें। मेरे कारण ही ये लावा यहाँ तक बहकर आया है। मनुष्य तो स्वयं को बचा लेंगे, किंतु पशु पक्षी ये तो जल ही जाएंगे। अब क्या करूं? कुछ तो करना ही होगा। तुम्हें ये वरदान देता हूँ कि कितनी भी भीषण अग्नि हो, उसकी ज्वाला तुम्हें किसी भी प्रकार से हानि नहीं पहुंचाएगी। अग्नि तत्व का कोई भी दुष्प्रभाव तुम्हारे ऊपर नहीं होगा। गाथा महाबली हनुमत की, अजगर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन जय 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 महाबली हनुमान। जनमानस का संकट जान, स्मरण हुआ अग्निदेव वरदान। जल आकाश और धरा पर अग्नि से रक्षित हो हनुमान।
ज्वाला के लावा को पी गए घर कर रूप विराट महान जय जयकार हो राह सर्वत्र संकट मोचन महाबलि हनुमान ये गाथा महाबलि हनुमत की रुचिकर लीला राम भगत की जय 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 रघुनंदन राम जय 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 महाबलि हनुमान जय 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 रघुनंदन राम जय 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 महाबलि हनुमान। मैंने मना किया था ना तुम्हें ये सब करने से किंतु तुमने रुक जाइए माँ माँ, आपने ही तो कहा था कि आवश्यकता पड़ने पर अपनी शक्ति का प्रयोग करना। देखिए माँ, संकट टल गया। पिताश्री, अब हम राजभवन चलें। बल, 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 विश्वास ही नहीं होता अतिबल, इतने छोटे से बालक को इतने बड़े बड़े वरदान। बला बल बल क्या हुआ? आप सब मुझे इस प्रकार क्यों देख रहे हैं? आप लोग जाइए जाइए अपने घर, अपना कार्य कीजिए, जाइए जाइए, अब आप सुरक्षित हैं। चलिए पिताश्री, हम राजभवन चलते हैं। से चलने के चिन्ह बनते जा रहे हैं, ये क्या हो रहा है मुझे? माता, ये क्या हो रहा है हमारे मित्र हनुमान को? पता नहीं पुत्र, पर भगवान से प्रार्थना करो कि वो शीघ्र सामान्य हो जाए। ये क्या हो गया तुम्हें मेरे लाल? तुम्हारी देह तो अंगार के समान तप रही है। महाराज, युवराज ने नगर वालों को बचाने के लिए लावा को इस तरह से पिया जैसे महादेव ने विष पीकर पूरे संसार को बचाया था, किंतु अब ये स्वयं संकट में पड़ गए हैं। हाँ, उनका भी कंठ नीला पड़ गया था, महादेव पर भी विष का प्रभाव पड़ा था, हनुमान पर भी लावा का प्रभाव पड़ा है। न जाने कब तक सहना पड़ेगा इसे। ये पूर्णता बुद्धि का विकास होने से पूर्व यदि किसी को शक्तियां मिल जाएं तो कभी कभी ऐसे दुष्परिणाम सामने आ सकते हैं। संपूर्ण देह में ताप का अनुभव हो रहा है और मेरा कंठ भी सूख रहा है। माँ, मुझे जल चाहिए। अरे, मां,
माँ का हाथ जल गया। तुम्हारी देह तो अग्नि के समान तप रही है। तुम चिंता मत करो अंजना, हनुमान को लेकर शीघ्र ही राजभवन चलो, राजवैद इसका भी उपचार कर देंगे। चलो पुत्र हनुमान, राजभवन चलो। बलबला बलबल, हैं? ये कैसी वरदानी शक्ति? लावा पीने के बाद से तो लग रहा है इसकी मृत्यु ही हो जाएगी। यदि वरदान की शक्ति थी तो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए था। रावण को कुछ भी बताने से पूर्व मुझे ही समझना होगा कि इसके पास और क्या क्या शक्तियां हैं और कितनी हैं। इस बार ये यज्ञ असफल नहीं होना चाहिए। ये आकर्षण कवच उसी दिन सिद्ध हो गया होता जिस दिन ग्रहण होने वाला था, परंतु उस वानर बालक के कारण विघ्न पड़ गया। गुरुदेव, मेरे लिए ये आकर्षण कवच अत्यंत आवश्यक है। तुम चिंता मत करो लंकेश, ये रक्षा कवच अवश्य सिद्ध होगा। तुम देखना बिना ग्रहण के भी ग्रहण का प्रभाव कैसे उत्पन्न करता है तुम्हारा ये गुरुदेव। दैत्य गुरु शुक्राचार्य। सच में ही ग्रहण जैसा ही प्रतीत हो रहा है। राजमाता कैकसी इस अवैदिक यज्ञ की सफलता के लिए अपने तपोबल से इस यज्ञ स्थल के आकाश और आसपास के वातावरण में ग्रहण की स्थिति उत्पन्न कर रहा था। मेरे तपोबल से यज्ञ की अग्नि भी प्रकट होगी। आप जैसे गुरु बड़े भाग्य से मिलते हैं जो अपने शिष्यों की भलाई के लिए अपने तपोबल के क्षय होने की भी चिंता नहीं करते। मेरे जीवन का प्रथम लक्ष्य है असुरों का उत्थान। लंकेश, मैं तुम्हें नर और वानर से भी सुरक्षा प्रदान करवाऊंगा। इस रक्षा कवच के द्वारा गुरुदेव, क्या ऐसा हो सकता है? अवश्य हो सकता है। मैं इसे अपने पवित्र मंत्रों से सिद्ध करूंगा। इसकी आकर्षण शक्ति से किसी भी असुर को या किसी भी ऐसे व्यक्ति को जिसमें तनिक भी असुरी प्रवृत्ति हो तुम अपने वश में कर सकते हो और तुम उससे अपनी इच्छा अनुसार जो चाहो वो कार्य करा सकते हो। जब तक ये कवच पूर्णतया शुद्ध रहेगा तब तक नर और वानर ही नहीं सबसे रक्षा करेगा तुम्हारी। यज्ञ का संकल्प लो दशानंद।
भला बलबल, ये लोग तो इसी ओर आ रहे हैं। कहाँ जाऊँ, कहाँ छुपूँ? भाग जाती बल, नहीं। जय, बला बलबल, हर बल तू ही क्यों फंसता है आती बल? इस जल से मेरी देह का ताप कम हो जाएगा। सूर्यदेव को क्या हो गया? बादल भी नहीं है, फिर भी ग्रहण की भांति अंधेरा छाया हुआ है। ये तो अशुभ लक्षण है। हे भगवान, हमारे हनुमान की रक्षा करना। कैसा लग रहा है? जल में जाने से कुछ शीतलता मिली? नहीं माँ, आप चिंता ना करिए, हनुमान शीघ्र ही स्वस्थ हो जाएगा। हनुमान को कुछ भी नहीं होगा। रुक जाइए माँ, मेरे समीप मत आइए, मेरी त्वचा तप रही है, आप छूने से ही जल जाएंगी। माँ मेरे समीप मत आइए। नहीं मेरे लाल, मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकती। आपको शपथ है मेरी, हनुमान को कुछ नहीं होगा माँ, कुछ भी नहीं। मेरे समीप मत आइए।